आ गया सर। ठीक है कोई नहीं, जो बोलना बीच में बोल सकता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस वीडियो का कंसेप्ट है ना, मैं थोड़ा सा ट्रेपिंग को और एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। जो अपन जो चीज़ें सीखते हैं, मतलब एक रिटेलर क्या क्या चीज़ें सीख के मार्केट में आता है और वो कैसे कैसे ट्रेप होता है, तो उसमें पैटर्न्स का क्या खेल रहता है, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और मैं उसमें कोई डेप्थ में ले जाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वैसे ये पार्ट अपलोड होगा ना, ये पार्ट अभी का नहीं, आगे का एडवांस पार्ट है, बाद में अपलोड करूंगा। तो वो ट्रेडर क्या क्या चीजें देखता है, वेज पैटर्न देखता है, चैनल पैटर्न देखता है, ट्रेंड लाइन देखता है, नॉर्मली ब्रेकआउट देखता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट देखता है। अब इनके बीच में क्या खेल होता है और कैसे कैसे वो ट्रेप होता है मार्केट में, ये चीज जानेंगे। मैं नॉर्मली एक रिटेलर को या तो वो एक चीज कोई लेके चलता है या कुछ चीजों को खिचड़ी पका के चलता है, उनको आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करा सकता है, मतलब दोनों पैटर्न्स को प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और उनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रिप होता है या कोई सीधा सीधा ब्रेकआउट ही देख रहा है। ठीक है, तो रिटेलर्स ज्यादातर देखते हैं ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेरे हिसाब से जितना मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, और चैनल बहुत कम देखते हैं। वेज पैटर्न अगर दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भी लेकिन कॉमन लोग यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि इनमें कैसे ट्रेप होते हैं। अब जैसे मैंने एक मार्केट लिया है, ये मेरा ट्रेप एरिया है, मैं बताऊंगा ये ट्रेप एरिया कैसे है, लेकिन हम इसको अलग अलग एंगल से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसी मार्केट को, जैसा कि वो कर रहा है एक रिटेलर। तो मैंने कुछ ग्रुप बनाए हैं इसी को, लेयर को समझने के लिए। तो सबसे पहले अपना ट्रेप है, ट्रेप को मैं हाइड कर देता हूँ। उससे पहले मैं देखता हूँ रेसिस्टेंस और सपोर्ट, ये मार्केट में कुछ रेसिस्टेंस और सपोर्ट है। एक सेकेंड, ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दी थी, अच्छी गिरावट दी है, उसके बाद में इस जगह का रेसिस्टेंस किया, वापस नीचे आया, इसी जगह का रेसिस्ट करके वापस नीचे निकला। तो एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, एक सपोर्ट नीचे बॉटम पे बन जाता है जो कि आगे कहीं जाके वो काम करता है, और एक सपोर्ट यहाँ के लगभग मिला जब ये एरिया जब ब्रेक किया, तब ये स्पेस को फिल किया, तब तो यहाँ से यहाँ मिला। तो ये अपने रेसिस्टेंस और सपोर्ट हो गए जो नॉर्मली एक रिटेलर देखता है। फिर अपन दूसरी चीज मैच करते हैं। अब देखो इसमें दो तरह की कनेक्टिविटी, देखो मार्केट में ना एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट करती है, ये वाली चीज, ये पोर्शन जब इस पोर्शन के साथ कनेक्ट करेगा तो पैटर्न से भी कनेक्ट करता है, या किसी सिस्टम से, मतलब इसमें एक अलग पैटर्न रहेगा, इसमें एक अलग पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न कनेक्टिविटी भी होती है। ठीक है, और ट्रेपिंग भी उसी के हिसाब से होती है। अब अगर हम पैटर्न कनेक्टिविटी देखते हैं तो इसमें एक पैटर्न दिख रहा होगा, किस किस को क्या पैटर्न दिख रहा है वो बताओ। जैसे मैं आप लोगों से ही ले लेता हूँ कि आपको क्या दिख रहा है इसमें रेसिस्टेंस सपोर्ट के अलावा, फिर हम उस एंगल से देखेंगे, उनकी ट्रेपिंग देखेंगे और उनका बेनिफिट्स कैसे उठाया गया है मार्केट में वो भी देखेंगे। कोई बता सकता है कि आपको इस वाले पोर्शन में, मैं नॉर्मली इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है या कोई भी क्या कुछ दिख रहा है, कोई बोलना चाहेगा? किसी का कोई सवाल नहीं है, चलो मैं, सिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, सिमेट्रिक पैटर्न। सिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, आप लिखना नहीं बोल सकते हो, लिखो मत, मैं बार बार उसको लिखने के लिए देखने देखने को नहीं जाऊंगा। ठीक है, जो भी है बोल सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे एक सिमेट्रिक पैटर्न दिख रहा है, और कोई पैटर्न किसी को दिख रहा है इस वाले पार्ट में? अगर हम रिटेलर की ट्रेपिंग देख रहे हैं तो हमें रिटेलर की सोच भी देखनी पड़ेगी ना, कि वो क्या क्या देख रहा है और उसको मार्केट ने कैसे ट्रेप किया। कोई और पैटर्न? सिमेट्रिक पैटर्न तो यही हो गया कि ये एंगल ऐसा हो गया। ठीक है, हाँ वही सर, वही वही। और कोई क्या, कोई चैनल पैटर्न देख पा रहा है, वेज पैटर्न देख पा रहा है? वेज पैटर्न, चैनल पैटर्न है ना, चैनल पैटर्न भी है, वेज पैटर्न भी है। अच्छा चलो ठीक है, दोनों चीजें। तो अब आ गई इसमें बात कि आपको क्या क्या चीजें दिखाई दी हैं, आपको चैनल दिखाई दिया, वेज दिखाई दिया, और चलो सिमेट्रिक भी एक वेज पैटर्न का हिस्सा मान लेते हैं हम। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट को मैं हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब हम देखते हैं कि आपने बोले वो पैटर्न में निकालता हूँ, एक तो वेज पैटर्न, चलो एक वेज पैटर्न ठीक है, ये सही है, सही है।
ठीक है अब इसी के मेरी आवाज रिपीट क्यों आ रही है, चलो इसके साथ में एक बोला चैनल पैटर्न, तो ये चैनल पैटर्न है, एक सेकंड ये चैनल पैटर्न हाइड कर देता हूँ, ठीक है ये चैनल पैटर्न है, और क्या हुआ? अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, साथ में रेजिस्टेंस सपोर्ट भी ले लेते हैं, ठीक है अब हम इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब मैं ये नहीं देख रहा कि वीडियो कितना लंबा, थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से नॉलेजेबल होना ज्यादा जरूरी है, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो ये टॉप मार के चला था, ठीक है, और लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे देखेंगे। अब एक पैटर्न दिख रहा है, मैं पैटर्न को कलर वाइज अलग कर रखा है, ये अपना वेज पैटर्न है, ये अपना चैनल पैटर्न है, ठीक है। जिसने चैनल पैटर्न को देखा उसने क्या देखा कि मार्केट चैनल का प्रॉपरली रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये इस मिड, देखो मैंने कहा था चैनल के अंदर हमेशा एक मिड रेंज होती है जिसकी एक रेस्पेक्ट रहती है, तो मैं मिड लाइन का कलर हमेशा ये करता हूँ, तो आप ये देख लो मिड का यहाँ रेस्पेक्ट है, यहाँ रेस्पेक्ट है, यहाँ भी रेस्पेक्ट है, यहाँ भी रेस्पेक्ट है, और यहाँ भी रेस्पेक्ट है, ठीक है। अब जिसने चैनल पैटर्न देखा वो ये उम्मीद कर रहा होगा कि मार्केट इस लेवल पे आ सकता है, ठीक है, और जिसने एक रेसिस्टेंस देखा उसने एक रेसिस्टेंस भी देखा। वेज पैटर्न देखा हुआ तो वेज पैटर्न यहाँ कंप्लीट नहीं होता, वेज पैटर्न जैसा ये दिख रहा है मतलब बनने के बाद में आपको ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि बहुत बढ़िया वेज पैटर्न, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वेज पैटर्न बनने से पहले भी इसने काफी ट्रिप किया है लोगों को, वो भी मैं बताऊंगा कैसे किया। अगर चैनल पैटर्न के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ चैनल पैटर्न ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, और अपने मतलब चैनल पैटर्न सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चैनल पैटर्न ने भी ट्रिप किया है और वेज पैटर्न ने भी ट्रिप किया है, और मार्केट में ये चीज बनने के बाद में सबको क्लियर दिख जाती है कि चैनल पैटर्न भी सही है वेज पैटर्न भी सही है, लेकिन जब बन रहा होता है उस टाइम रिटेलर कैसे ट्रिप होता है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ चीजों को, मैं एक काम करता हूँ कंबाइंड करने से पहले मैं इसका चैनल पैटर्न हटा लेता हूँ, ठीक है, चैनल पैटर्न मैंने हटाया और रेसिस्टेंस सपोर्ट को भी मैं हटा लेता हूँ, वैसे वो कॉमन है ज्यादा लोग रेसिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज हुई, एक वेज पैटर्न के बनने के मतलब वेज पैटर्न में लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, नॉर्मली वेज पैटर्न बनेगा ऐसा, एक वेज पैटर्न बन रहा है तो मार्केट ऐसे 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 रेस्पेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं एक साइड ब्रेक करके वो निकल जाएगा, यही एक एक्सपेक्टेशन होती है, बट ये एक्सपेक्टेशन होती है, रियलिटी कुछ अलग होती है। अब हम रियलिटी की तरफ जा रहे हैं, अब रियलिटी अगर हम देख रहे हैं इसमें, तो इसमें हम एक काम करते हैं कुछ फेस बने होंगे, मैं फेस खोल लेता हूँ, ये आपको फेस दिख रहे होंगे, और इस फेस में भी बहुत छोटे छोटे चीजों में लोग ट्रिप होते हैं, कहीं ना कहीं पहले एक ऐसा एंगल दिखाई दिया होगा लेकिन जब तक कोई इसको वेज नहीं मान सकता, ठीक है, उसके बाद में ये एंगल चेंज हुआ और यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, तो कहीं ना कहीं यहाँ हमें 3 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो वेज पैटर्न के अंदर एक छोटा वेज पैटर्न और दिख रहा है, और कम से कम इसमें भी कम से कम 40-50 कैंडल्स हैं, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि वैलिड नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। वेज पैटर्न के अंदर एक वेज पैटर्न हमें दिख रहा है, उस वेज पैटर्न के बाद में इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया है और कहीं ना कहीं अपना जो ये एक रेसिस्टेंस सपोर्ट जो लोग देख रहे हैं उनको रेसिस्टेंस सपोर्ट तक पहुंचा नहीं है, उससे पहले ही मार्केट ने स्पेस क्रिएट जो अपना यह स्पेस क्रिएट किया था ना, उस स्पेस की एक दौड़ लगाई है, दौड़ लगा के और यहाँ से वापस नीचे इसी जगह का सपोर्ट लेते हुए और यही मार्केट रेंज हो गया है, ठीक है, उसके बाद में मार्केट वापस यहाँ एक फ्लो लेता है और ये जो अपना एरिया है इसका मिड जो अपन फीबो लगाते हैं वो फीबो कवर करता है और मार्केट ऊपर की साइड जाता है। अब ट्रेप कहाँ कहाँ हो रहा है हम देखते हैं, अगर हम ट्रेंड लाइन का सहारा भी लेते हैं तो एक तो ट्रेंड लाइन ऐसी बन जाती है, एक काम करता हूँ इसका साइज छोटी कर लेता हूँ, बिल्कुल पतली कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन तो ये बनती है और एक ट्रेंड लाइन अगर डिटो पकड़ते हैं तो ये बनती है, यहाँ ब्रेकआउट दिखता रिटेलर को, एक ट्रेंड लाइन हम अगर देखते हैं तीसरी बार इसका ठहराव बना था इस जगह पे तो यहाँ बनती है, और आगे भी हम एक ट्रेंड लाइन और बनाते हैं तो लगभग ये सपोर्ट ही बन जाएगा पूरा, रेसिस्टेंस बन जाएगा पूरा, यहाँ बनती है। अब मैं वेज पैटर्न को एक बार हाइड कर रहा हूँ प्रॉपर वेज पैटर्न बनने से पहले, ठीक है,
अब देखो मार्केट को कहाँ कहाँ ट्रेप किया होगा मार्केट ने, देखो ये तो एक बड़ा मूव है, यहाँ ज्यादा लोग ट्रेप नहीं होंगे, जब चला होगा तो बाइंग में लोग फंसे होंगे, उनको निकाल दिया होगा रिटेलर को, फिर वापस गए होंगे, वापस बाइंग की एक्सपेक्टेशन होती है क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन टूट जाती है, हम इसको सनरेज बोलते हैं क्योंकि अलग अलग रेज निकल रही है इसी जगह से, तो ये एंगल टूटता है यहाँ पे ट्रेप होते हैं, फिर वापस मार्केट में एक उम्मीद करी जाती है, यहाँ मार्केट ठहरता है कि नीचे की साइड आएगा लेकिन मार्केट रेंज हो जाता है, फिर वापस इस एरिया को ब्रेक करता है तो एक उम्मीद करी जाती है मार्केट ऊपर जाएगा। रिटेलर छोटे से फोमो में फंसने वाले रिटेलर है ना, वो उसके लिए इतनी सी वीक भी बहुत मायने रखती है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कैंडल की छोटी सी वीक और बहुत ज्यादा फंसा सकती है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रेप कर सकती है, आगे आप देखोगे इसी चीज में, यहाँ भी ट्रेप किया गया, यहाँ भी ट्रेप किया गया, और एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हम रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं तो उसके ऊपर भी मार्केट ठहरा है, एक सेकेंड, हम रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर खोलते हैं तो प्रॉपरली उसके ऊपर भी मार्केट गया है, और जो फोमो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ एंट्री कर जाते हैं मार्केट में एक उम्मीद करते हैं, और क्यों एंट्री करते हैं, क्योंकि उससे पहले मार्केट ने एक ग्रीड कैंडल दी है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कैंडल, एक भरी हुई कैंडल जो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए, और इसमें भी देखना क्या हुआ है, ये एक लेवल बनाया है, इस लेवल को ट्रेप किया है, जस्ट इस लेवल को ब्रेक होता हुआ, जैसे हम बोलते हैं कि ये एक जोन है, ये जोन को ब्रेक किया है, ब्रेक करके ट्रेप किया, और ट्रेप करते ही मार्केट ने एक दौड़ स्टार्ट करी है जो कि कवर जोन की दौड़ बोली जाती है, कवर जोन की दौड़ स्टार्ट करी एक बड़ी भरी हुई, देखो ये तो मार्केट की एक दीवार है, अब ये मार्केट की एक दीवार है ठीक है, और इस दीवार से पहले वो अपनी दौड़ स्टार्ट कर रहा है, और दीवार पे जैसे टक्कर खा रहा है तो मार्केट का पूरा प्रेशर टूट जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक रिटेलर के अंदर ग्रीड क्रिएट करती है, और वो ग्रीड क्रिएट करने के बाद में और उसके जो दौड़ का प्रेशर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस क्रिएट किया है मार्केट ने, जो कवर किया उसी जगह का है, और इसके ऊपर दौड़ सस्टेन करना मार्केट को, ये वाला एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बन जाता है, और यहाँ से बाइंग करता है, बाद में मार्केट क्या करता है, ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का खेल हो गया, और इसके साथ में हम अगर वेज पैटर्न मैच कर रहे हैं तो वेज पैटर्न में कहाँ क्या हुआ, वेज पैटर्न में यहाँ वेज पैटर्न बना, वेज पैटर्न को बार बार रिटेलर ने ठीक किया है, ये यहाँ नहीं बना, ये वाला पहले इस लेवल से पकड़ा गया होगा और इस लेवल को लेके ऐसे बनाया गया होगा, अगर मैं इसको ठीक करता हूँ तो देखो ये वाला अपन लेते हैं ये वाली जगह, उसके बाद में दूसरा पॉइंट हम ये वाली जगह लेते हैं, तीसरा वाला पॉइंट ये जगह लेते हैं, तब भी हमें ये वेज पैटर्न दिखेगा, और अगर हम यहाँ भी इसको वेज पैटर्न देख रहे हैं तो यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दिखेगा, उसके बाद में एक रिटेस्ट दिखेगा, दोबारा से ब्रेकआउट दिखेगा, अब जो सिर्फ वेज पैटर्न देख रहा है उसके लिए ये सपोर्ट ये वाला एंगल नहीं दिख रहा ठीक है, उसको ये नहीं दिख रहा, और जो ये देख रहा है वो वेज पैटर्न को प्रॉपर नहीं देख रहा, दोनों को कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा। अब देखते हैं आगे ट्रेपिंग कहाँ करी है मार्केट ने, ये वाला एंगल भी हो गया, ये चीज भी हो गया, सपोर्ट एक बार रेसिस्टेंस सपोर्ट के साथ में, अब मार्केट एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से कनेक्ट कैसे कर रहा है ठीक है, अब मैं अपने देखो अपने को ट्रेड करना है ना, तो मैं ट्रेड वहां करना पसंद करूंगा जहां मैक्सिमम लोग ट्रेप हो जाएंगे, जहां मुझे लग रहा है कि एक वन डायरेक्शनल लोगों की सोच हो गई है और मेरे को कहीं ना कहीं हिडन फैक्ट दिख रहे हैं जिसके अंदर से कि मार्केट कहीं ना कहीं घूम सकता है तेजी से, एक लोबी एक साइड की लोबी सवार हो गई है, तो और मार्केट में वो स्पेस भी है वो जगह भी है ठीक है, अब मार्केट जब चलता है तो अपना एक स्पेस क्रिएट करता है कई जगह, जैसे कि यहाँ से इतना ऊपर गया जब नीचे आया तो ये स्पेस क्रिएट किया, यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट किया ठीक है, ऐसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट कर लिया, ये कवर जोन है, ये पूरा जोन कवर ही है ऑलरेडी, और भी लोग जुड़ रहे हैं, ये कवर जोन ही है, कवर जोन में स्पेस तैयार हो रहे हैं, और ये स्पेस एज ए ट्रेपिंग यूज लिए जाते हैं, जैसे मान ले ये स्पेस क्रिएट हुआ तो यहाँ से एक ग्रीड कैंडल आई, मार्केट ने ठहराव लिया, वापस ए शेप बनाई, उसके बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे आया तो लास्ट में जब मोमेंट ठहरता है उस टाइम क्या किया, ग्रीड कैंडल बनाई, मार्केट में लोगों को फंसाया, उसके बाद वापस जाता है, तो जहां भी एंड होता है, जहां से मार्केट पलटना स्टार्ट होता है, वहां कहीं ना कहीं हमें क्लाइमेक्स कैंडल मिल जाती है स्टार्टिंग और एंडिंग में ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से इसी मोमेंट को देखते हैं तो लास्ट में देखना मारा बाजू मिल रही है अपने को, ये वाली रेड कैंडल वापस से उठना ठीक है, और यहाँ देखना जहाँ फंसाने की शुरुआत होती है एक बड़ी कैंडल यहाँ मिलती है, ये चीजें भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं ठीक है, अब ये स्पेस जो क्रिएट किया उसको कैसे यूज करेगा ठीक है, अब जब ये मार्केट ये लेवल छोड़ता है तो लोग अगर यहाँ अगर सेलिंग देखते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं इस लेवल का मिनिमम ये लेवल आएगा ही आएगा ठीक है, और वो आने से पहले भी गेम चलते हैं मार्केट में, अगर रेसिस्टेंस सपोर्ट में देखो तो कहीं ना कहीं इस लेवल को अचीव करने से पहले, मैं अपना जो गोट एरिया बताता हूँ, आप अगर पिछली क्लास ली है तो वो जानते हैं गोट एरिया क्या होता है,
तो ये लेवल और इससे अगला लेवल, इसके बीच का गेम मैं बोलता हूँ, और वही गेम है ये। अगर कोई कैच कर पा रहा है मेरी बात को, तो वही जगह है ये। ठीक है, ओके अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ। अब एक यहाँ पे हमने एक ये चीज देखी थी, साथ में एक चीज देखी थी हमने चैनल पैटर्न को, ये वाला चैनल पैटर्न। अब चैनल पैटर्न में वेज पैटर्न हटा देता हूँ मैं। अब कई बार देखो चैनल पैटर्न में भी ट्रैपिंग आती है, वो ट्रैपिंग अभी यहाँ नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे ट्रैपिंग आती है। ये चैनल पैटर्न हमें उस ट्रैप से बचाता है, जैसे ये आ गया सपोर्ट, अब इसका ब्रेकआउट आ रहा है, ये ब्रेकआउट जाएगा मार्केट, यहाँ एक ग्रीड कैंडल और बनाएगा, जैसे ये है ना भरे हुई कैंडल, ऐसी ही कैंडल और बनाएगा, इसी जगह को रसिस्ट कर जाएगा अकॉर्डिंग चैनल पैटर्न, और मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा, वापस से इस साइड जाएगा, और उसके बाद में तेजी से गिरावट देगा। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दोबारा दिखाई दे देगा, ये भी दिखाई देगा, और यहाँ दोबारा से ग्रीड क्रिएट होगा, और एक्चुअल में जो वेज पैटर्न है फिर वो थोड़ा सा वेज पैटर्न इस तरह से अपडेट हो जाएगा, हम ये देखेंगे तो, और वहां से मार्केट वापस गिरावट देगा। तो मार्केट ने किस किन लोगों को ट्रेप किया उसमें? मार्केट ने ट्रेप किया ये रेसिस्टेंस सपोर्ट वालों को, रेसिस्टेंस सपोर्ट वालों ने ये रेसिस्टेंस सपोर्ट को समझा, इसके बाद में उनको एक ब्रेकआउट दिखाई दिया, ब्रेकआउट में चैनल का सपोर्ट मिला, जिसने चैनल क्रिएट नहीं कर रखा उसको नहीं पता, तो चैनल का सपोर्ट मिला मिला, और वापस से इसी रेसिस्टेंस को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के मार्केट ने रिटेस्ट करते हुए ब्रेकआउट दिखाया, और वो ब्रेकआउट पे जो ट्रेड कर रहा है उसको मार्केट इस लेवल तक लेके जाएगा, ये वाला ब्रेकआउट दिखाएगा, शायद इस चैनल पैटर्न को पकड़े या ना पकड़े उससे पहले बहुत तेजी से जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अपना एक्चुअल में ट्रेडिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं यहाँ, यहाँ दोबारा से हम ब्रेकेट प्ले कर सकते हैं। नॉर्मली हमारा एसएल बहुत छोटा एरिया में छोटा होगा, और इसी को एज ए जैसे 15 मिनट का मैंने आपको दिया था ट्रेंड लाइन, वैसे प्ले कर सकते हैं, आपका एसएल 2 से 5 पॉइंट का आ जाएगा, टारगेट आपके बड़े लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये चीजों में हम एक दूसरे को मैच करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये रियलिटी है इन एंगल्स की, जब मार्केट क्रिएट हो जाता है तो वो साफ दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर होने वाले खेल बाद हम जब उनको समझते हैं, देखो मार्केट ही सिखाता है, कोई और नहीं सिखाएगा हमें, और मार्केट क्या सिखा रहा है कि यहाँ पे कितने पैटर्न्स बने और उन पैटर्न्स को किस किस तरीके से ट्रैप कर रहा है। अब पैटर्न्स आपस में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये पैटर्न दूसरे पैटर्न को पैदा करेगा, यहाँ जब छोड़ेगा तो एक एंगल या एक पैटर्न में चलेगा, क्योंकि रिटेलर्स ज्यादातर ट्रेड करते हैं वो कैंडल स्टिक पैटर्न पे करते हैं, चार्ट पैटर्न पे करते हैं जोन का, या फिर रेसिस्टेंस सपोर्ट लाइन लाइनों पे करते हैं। अब एक चीज ये आती है, अगर हम काम करते हैं तो हम क्या करेंगे हमारे लिए, मैं देखो एक पूरा चार्ट मैं अगर खोलता हूँ इस चार्ट को, तो अपने लिए इम्पोर्टेंट एरिया कौन से होने चाहिए, कल अगर जिसने मेरे साथ ट्रेडिंग करी है वो जानता होगा, ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं और ये एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, और कौन सा टॉप रहा होगा, ये 3 टॉप दिख रहे हैं मुझे, कोई बता सकता है? अगर कोई भी बोल सकता है, बता सकता है कि ये हमें कैसे पता चल सकता है कि ये चीजें हम फिबो निकाल पाए? फिबो, फिबो लगा के 50 कौन बोल रहा है? मंडल मंडल, अरे वाह, आपसे उम्मीद थी मेरी। और कोई क्या बोला? फेज फेज, चलो ठीक है, चलो उनका जवाब सही था। देखो फिबो की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें हटा हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए, ये भी हाइड करता हूँ, रेसिस्टेंस सपोर्ट भी हाइड कर देता हूँ, फेस भी हाइड कर देता हूँ, और ट्रेंड लाइन भी, ट्रेंड लाइन तो है नहीं इसमें, ऐसे ये ट्रेंड लाइन अभी बनी है, ये भी हाइड कर देता हूँ जो भी ट्रेपिंग हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिर्फ फिबो, क्या समझ पा रहे हो इस चीज को आप? फिबो में कौन सा लेवल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो मैंने बताया है? ठीक 50 50 है, इसको मैं ज्यादातर मैं वीडियोस में 50 बोलता हूँ, फिबो भी नहीं बोलता कि 50 आ गया अपना 50, तो आप समझो मैं उस फिबो बोल रहा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, क्या हमने मार्केट के 3 मेजर स्विंग किसी एक ही टूल से नहीं निकाल ली? अगर आपको कोई दूसरी चीज ट्रेप कर रही है तो आपको कौन बचा सकता है? फिबो। और फीबो को भी परफेक्टली यूज करना मैंने शायद पिछली वाली क्लास में बताया है कि आप इसको परफेक्टली कैसे यूज कर सकते हैं, इसके साथ क्या चीज मैच करें, पीछे के लेवल्स को मैच करेंगे, यानी कि अपने फेसेस बनाएंगे। ठीक है,
और यहाँ ये भी देखेंगे कि रिटेलर एक्चुअली में ट्रेप हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये भी इसके साथ में आप और क्या चीजें देख सकते हो, अब यहाँ देख सकते हो कि देखो ये लेवल है लो लेवल, ये ऊपर उठ रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, तो मैं स्टेप लाइन बोल रहा था, ये स्टेप का एक इतना मतलब दूरी है, इसमें स्टेप में इतना दूरी, और आपको ये नहीं दिख रहा कि इसमें ज्यादा दूरी है। अगर ये स्टेप इतना बड़ा है, ये स्टेप इससे थोड़ा उतना ही उतनी साइज का अलग होगा, ये स्टेप बड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ अलग होगा, या तो ये ग्रीड ज्यादा दे रहा है, तो देखो ये मुंह क्या ग्रीड नहीं दे रहा है, इसने लगभग ये वाला जोन जो नीचे शिफ्ट हुआ इसको थोड़ा, अब अपन एम ट्रेप की बात करते हैं, तो ये अपना एम ट्रेप हो गया, कोई समझ रहा होगा तो एम ट्रेप हो गया, इसको भी देखते हैं हटाते हैं एक बार, एम ट्रेप की बात नहीं हो रही है वैसे यहाँ पे, इसको हटाता हूँ, तो आप स्टेप्स में देखो मार्केट को, स्टेप देखो कितना स्टेप ऊपर बढ़ा है, कितना स्टेप ऊपर बढ़ा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्टेप मुझे क्या बता रहा है, कुछ ना कुछ अनयूजुअल है, और मुझे फिबो क्या बता रहा है कि एक रेसिस्टेंस आ रहा है, और मुझे ग्रीड और फियर का मीटर क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रीड स्टार्ट हो गया रिटेलर का, और वेज पैटर्न क्या बता रहा है और चैनल पैटर्न क्या बता रहा है, चैनल पैटर्न बता रहा है कि मार्केट अपने अपर लेवल के आसपास पूछ रहा है, ठीक है, अगर मैं चैनल पैटर्न खोलता हूँ तो वो मुझे क्या बता रहा है, देखो मैंने ये चीज यहाँ भी तैयार करी थी क्योंकि बाद में मेरे को उसको अरेंज करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने जीरोधा के चार्ट से मैंने यहाँ तैयार किया था, ठीक है, वैसे मैं काम जीरोधा वाले चार्ट पे करता हूँ लेकिन वो अरेंज नहीं, अब इसमें क्या है इसमें फोल्डर बन गए तो अरेंज करना आसान हो गया, तो अब क्या देखने में आ रहा है कि हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिल रहा है कि चैनल पैटर्न भी सही है, सारी ट्रेंड लाइंस भी सही है, सारी चीजें सही है, लेकिन अपने क्या चीज मिस किया, अब मैं ये नहीं कहता आप ओवर चीजें मिलाओ, ओवर चीजें मिलाओगे आप ज्यादा कंफ्यूज होगे, लेकिन कुछ हमारे प्राइस एक्शन के टूल होते हैं, जब हम प्राइस एक्शन कंप्लीट बोलते हैं ना, तो प्राइस एक्शन में क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो अपने ये एक सेकंड ये रहा, या मैं बता रहा था ये प्राइस एक्शन के मेन चीजें हैं अपने, तो हमेशा एक पैटर्न दूसरे पैटर्न के ट्रेप और प्रोटेक्शन का कारण बनता है, एक ट्रेप करता है दूसरा उसको प्रोटेक्ट करता है, और उसके बीच में रिटेलर्स और सेलर और बायर की अपनी ट्रेपिंग साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी में हमें बहुत छोटा एसएल के साथ में एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, मेरी बात को समझ पा रहे हो, हाँ सर, हाँ और कुछ हाँ चीजें कुछ हैं जो चीजें हमें, हैं। कुछ चीजें जो ज्यादा हेल्प करेंगी, जैसे फिबो हमेशा आपको बेटर हेल्प करेगा, ठीक है, फिबो कभी, फिबो में भी देखो, देखो दुनिया देखती है ना फिबो को, तो फिबो में कितने लेवल हैं, कितने सारे लेवल हैं, अगर हम सारे के सारे लेवल अगर इसको फिबो के खोल देंगे, अब फिबो देखो अगर ये फिबो है, आप ये देखो हर कदम पे आपको ये मिलेगा कि यार मार्केट यहाँ भी रुक सकता है, मार्केट यहाँ भी रुक सकता है, मार्केट यहाँ भी रुक, और क्या कोई मार्केट ऐसे चलता है कि बिल्कुल जस्ट इसको डिटो टेस्ट करे और चला जाए, नहीं, थोड़ा बहुत तो ऐसा करके चलता है, मार्केट ऐसा नहीं है कि बिना बने ठनी है बिल्कुल सही जगह पे रुकेगा और सही जगह पे चलेगा, ऐसा नहीं होता, तो मार्केट भी खेलता है, तो मार्केट भी डायनेमिक हो गया है, तो वो बिल्कुल इसको एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता, तो एग्जैक्ट फॉलो नहीं करता, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया तो हम क्या सोचेंगे कि ये लेवल मानू या ये लेवल मानू, तो कंफ्यूजन है, तो क्यों फिर इतने कंफ्यूजन को पालना है हमें, अगर अपना एक देखो अपन क्या देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, मैं बोलता हूँ कि इस वाले लेवल की एक्यूरेसी क्या है, आप बोलोगे इसकी लेवल की 23% हो सकती है, 40%, 30% हो सकती है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इस लेवल की एक्यूरेसी मोर देन 60% या 70% रहेगी आपकी, तो जब आपकी एक्यूरेसी यहाँ ज्यादा है तो हमें ट्रेडें ज्यादा करने से मतलब नहीं है, हमें एक्यूरेट होने से मतलब है, और कम ट्रेडें करें तो हमारे लिए सिर्फ ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, सिर्फ ये लेवल, हाँ कुछ बड़ी टाइम फ्रेम एमटीएफ पे जाएंगे तो कुछ लेवल हम और भी खोलते हैं शायद, क्योंकि उसमें हमारे पास स्पेस होता है, अब यहाँ पे हम इंट्राडे कर रहे हैं तो कोई स्पेस नहीं होता, ये कम से कम 30 40 50 पॉइंट का मूव भी हो सकता है, 20 30 पॉइंट का मूव हो सकता है, अगर हम ये लगा रहे हैं वेज पैटर्न, और अगर हम डेली चार्ट पे लगा रहे होंगे और वन और चार्ट पे लगा रहे होंगे, तो इसके और इसके बीच का गैप 150 पॉइंट, 200 पॉइंट या 400 पॉइंट भी हो सकता है, आप समझो, तब ये चीज वैलिड मान सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में यहाँ एक पूरा हम सपोर्ट पूरा जोन बना सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, मार्केट यहाँ धीरे से ट्रेप करके निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एरिया आ जाता है, ठीक है, तब हम उसको वैलिड मानते हैं, लेकिन अगर हम छोटी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, तो फीबो में ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना हर जगह ये अप्लीकेबल रहेगा, ये मार्केट कल का ही है जिसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ,
जिसमें आपकी लाइव क्लास ली थी, तो मैं सोचा कि मेरे को एक वीडियो का पार्ट तैयार करना है, तो मैंने इसी को ही यूज किया है। ठीक है, चलो मैं इस चीज को आगे न लेते हुए अपना, मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्राइज एक्शन की ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि ये पैटर्न दूसरे पैटर्न से कनेक्ट कैसे करता है। ठीक है, अब ये पैटर्न में हमारे पास कुछ बोलना है? नहीं, फिबो में बता सकते हैं कि फिबो में हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे, कहाँ से कहाँ का मूव 50%। देखो उसमें हर बार जब जब कोई उसको अलग से चर्चा करेंगे, अभी एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। फिबो में बहुत सारी चीजें हैं, अभी इसी को कंप्लीट, क्योंकि मेरे पास इसमें 10 मिनट का ही टाइम बचा है, फिर मुझे दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वेज पैटर्न खोल लेता हूँ और ये खोल लेता हूँ, अगला पैटर्न को कनेक्ट करता हूँ। अगला पैटर्न है, अगला भी चैनल। अब यहाँ भी देखो, मेरे को यहाँ फिर से एक चैनल दिख रहा है। अब आप लोगों को दिख रहा है वो चैनल? नहीं दिख रहा होगा, नॉर्मली लोग वो चीज नहीं पकड़ पाते हैं। आपको अगर कोई चैनल दिख रहा होगा तो शायद ऐसा दिख रहा होगा, ये एंगल। ठीक है, और कोई पैटर्न आपको दिख रहा है या कुछ दिख रहा है? इसमें देखो मेरे को दो स्लॉट दिख रही है, एक ये बाइंग की, एक ये बाइंग की है। तो मैं क्या इनको आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो एक लाइन ऐसी बन सकती है, बन सकती है। अगर मैं इस लाइन को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली ये सिंपल जल्दी दिखती है, तो फिर इसमें ये ट्रिप हो गया। मैंने देखो अपना ट्रिप कहाँ तैयार किया, आप समझ लो, मैं सारी चीजें बताऊंगा जल्दी जल्दी, मैं कंप्लीट ही कर देता हूँ। मेरा ट्रिप है ये, जहाँ मुझे ट्रेड लेना है, और मुझे क्यों लेना है मैं आपको इस चार्ट पे भी ले जाके दिखाता हूँ। वैसे मैं इसमें एक काम करता हूँ, पहले मैं चैनल खोल लेता हूँ, ये मेरा चैनल है। ठीक है, अच्छा। अब आती है बात, ये है मेरा ट्रिप जिसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये ट्रिप क्या है, ये देखो इधर से ब्रेकआउट दिखा रहा है, ये अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, यहाँ सहारा भी लिया, सपोर्ट भी लिया, उसके बाद में रीटेस्ट भी किया, वापस ऊपर की साइड भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं मैं मिडल लाइन लेता हूँ जो कनेक्ट करता है एक जगह को दूसरी जगह से, वो ये लाइन है जो मैंने आपको बताई है, उसके हिसाब से ये मेरा बचाव कर रहा है। और चैनल पैटर्न अपना कहीं रह गया ऊपर में, ठीक है, आप समझो इसमें चैनल पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न मार्केट मूव कर रहा है और इस स्पेस को फिलिंग कर रहा है, तो दूसरे पैटर्न से कनेक्ट कर रहा है। जैसे ही ये पैटर्न खत्म हुआ, अगर इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो पीछे इससे कनेक्ट कर सकता हूँ बेसिक, तो ये दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया। और लोगों को दिख रहा है नॉर्मली ये रेसिस्टेंस सपोर्ट जो आप निकाल रहे थे ड्रावाज बॉक्स, तो वो ड्रावाज बॉक्स क्या था, एक रेसिस्टेंस सपोर्ट का ही पार्ट था और कुछ नहीं है, रेसिस्टेंस सपोर्ट का पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया लोगों को, ये दिखाया इस एंगल से कि ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ने एक लेवल का सहारा लिया है, डबल बॉटम बनाया है, डबल बॉटम के बाद में मार्केट ऊपर चल रहा है, यहाँ से ठहराव लिया वापस से मार्केट ने, इस जगह पे एक्सट्रीमली लोग ट्रेप हो जाते हैं और मार्केट अपनी गिरावट उसके बाद में ही देता है। क्या मेरे पॉइंट पकड़ पा रहे हो आप, कोई समझ पा रहा है इस चीज को? मैं सारी चीजें खोल लेता हूँ, मैं 5 मिनट में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, इसको जल्द से जल्द इसको हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें एक मेरा इंडिकेटर भी है वो भी खोल देता हूँ, तो उसमें कैंडल के कलर चेंज हो जाएंगे। वैसे कई लोग क्या कैंडल स्टिक भी देखते हैं, ये हटाता हूँ, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आप देखो कैंडल स्टिक में भी कैसे ट्रेप करता है, अगर जल्दी जल्दी देखो तो ये कैंडल्स जो कलर बदल रही हैं, वो कैंडल्स सारी की सारी दो तीन तरह की कैंडल हैं इसमें, आप देखोगे ये कैंडल आ गई इनसाइड बार, ये कैंडल आ गई इनगल्फिंग, और जो ब्लैक वाली कैंडल कहीं दिखती है वो पिन बार है, जैसे ये पिन बार है, ठीक है, ये पिन बार है, ये इस वाले से इस वाले को कनेक्ट कर रही हैमर, पिन बार बोलो या हैमर बोलो बात एक ही है, ये भी हैमर है। तो हैमर का अपना कलर ब्लैक मिलेगा, इसका येलो मिलेगा, इसका वाइट मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर टॉप पे जाता है तो कोई ना कोई एक कैंडल या एक ऐसा दिखता है हमें, देखो इस लेवल के आसपास हमें दिखती है, ये देखो ये चीजें हमें दिखती हैं। ठीक है, हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, वो चीजें एडिशनल पार्ट होती हैं, लेकिन वो हर जगह देखने की नहीं होती। अब मान ले मार्केट चल रहा है, एक मिनट का मार्केट है, यहाँ देखने लग गया या बीच में देखने लग गया या कहीं भी देखने लग गया, मतलब नहीं, अपने एरियाज में हमें देखना है, मतलब बेटर पोजिशन के लिए, क्योंकि टॉप पे वो बनते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस चैनल को दूसरे चैनल से कनेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा चैनल हमारा बना, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट खोल रखा है, वो नहीं खोला गया मैंने,
खोल रखा है, ठीक है। रेसिस्टेंस सपोर्ट सीधा सीधा दिखता है, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसके हिसाब से लोग यहाँ की उम्मीद कर रहे हैं, और मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, मार्केट ने ये लेवल ब्रेकआउट कर दिया, और जिनको अपना टारगेट लेना वो इस एरिया में लेना है। और मेरे लिए बेटर प्लेस ये क्यों बना, जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है मेरे लिए ये हो गया कि यहाँ मैक्सिमम लोग ट्रेप जिनका टारगेट आना था, मार्केट ने टारगेट नहीं दिया, जो लोग यहाँ बाइंग करें, बाइंग वाली लोबी भी इकट्ठा कर ली, जो सेलर थे नहीं, जो यहाँ से बाइंग लेके चल रहे थे उनका टारगेट नहीं आने दिया, और कम्प्लीटली बायर्स को ट्रेप किया, एक ब्रेकआउट भी दिखाया इस एंगल से भी, मतलब कई एंगल से ब्रेकआउट दिखाया, कई एंगल से मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पे, तो ये एक परफेक्ट ट्रेप जोन है। और हम जो थ्री टेप की बात करते हैं, 1-2 टेप और 3 टेप, ये तीसरे टेप में भी आ गया, उसके बाद में मार्केट गिरावट देगा। मैंने इसमें काफी कुछ चीजें और भी देखी, लेकिन क्या टाइम बहुत कम है, मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप समझ गए होंगे कि ये क्या है और कैसे पैटर्न कनेक्ट कर पा रहा है। अगर इसको लेके किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं इसमें फिबो भी खोल देता हूँ, फिबो खोल रखा है मैंने यार, ठीक है। और फिबो हमें क्या बता रहा है, फिबो हमें बता रहा है कि मार्केट ने अपना मतलब एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कर लिया, मार्केट नीचे का मूव कर सकता है, मार्केट ने अपना हेल्दी रिट्रेसमेंट कर लिया, मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट ने अपना हेल्दी रिट्रेसमेंट कर लिया, मार्केट नीचे जा सकता है, और तीनों कंडीशन में यही हुआ है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसको लेके, क्योंकि मैं फिर अभी क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन मैं वीडियो को पोज कर दूंगा, जो मेरे को रिकॉर्ड करना है, मुझे इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। किसी का कोई सवाल है? चलो ठीक है, मैं वीडियो को पोज कर रहा हूँ।